हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के जरिए एक कॉमन कंप्लेंट है जो आप बार बार हमें करते हैं आके कि भाई आपके यहाँ पे टाइम बहुत लगता है, कि बहुत देर वेट करना पड़ता है। उस क्वेश्चन या उस चीज के बारे हम आज उसको एड्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि उसका कोई हल निकाला जा सके जैसा हम चाहते हैं, और कोशिश करेंगे आपके सजेशंस भी हम लें कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर वैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास नॉर्मली तीन टाइप के केसेस होते हैं, एक्यूट केस, क्रॉनिक केस, और एक क्रॉनिक केस जिनको कोई नई कोई एक्यूट कंप्लेंट आई है, कोई ऐसी कोई दिक्कत ऐसी है। एक्यूट केस वो होते हैं जैसे किसी को कुछ दिनों से ही कोई दिक्कत है, जैसे सपोज कीजिए खांसी है, जुकाम है, कोई डायरिया है, कोई कुछ दिनों से कोई दिक्कत है। क्रॉनिक केस वो होते हैं जिनको भाई 3 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड से नॉर्मली या काफी और ज्यादा टाइम से उनको दिक्कत चलती आ रही है, जैसे जोड़ों के दर्द हो गए, सिर दर्द हो गए, पुराने क्रॉनिक माइग्रेन वगैरह हो गए, या कोई डायबिटिक केसेस हैं, ऐसे क्रॉनिक केसेस। तीसरे टाइप के केसेस आगे, जैसे सपोज कीजिए कोई जोड़ों का दर्द था, अब उसकी कोई मेडिसिन हमारे पास चल रही थी या कहीं पर चल रही थी, अब अचानक ही उनको 3 दिन से 4 दिन से उनको सिर दर्द हो गया, या उनको डायरिया हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, कोई बुखार आ गया। तो ये तीन टाइप के कैटेगरी जो नॉर्मली हमारे या कहीं पर भी ओपीडी में आते हैं। अब से हमारे हॉस्पिटल में 2 टाइप की लिस्ट बनेगी, एक क्रॉनिक केस। क्रॉनिक केस वो जो पुराने समय से हमारे चलते जा रहे हैं, या फिर ओल्ड पेशेंट हैं, या गोटे के दर्द हैं कुछ, और दूसरी बनेगी एक्यूट केस, या फिर कोई क्रॉनिक केस में जिनको कोई इमरजेंसी आई है एक्यूट केस में। तो कोशिश हम ये करेंगे कि सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाए एक्यूट, चाहे कोई बुखार का केस हो, चाहे कोई डायरिया का केस हो, कोई खांसी जुकाम का हो। अब खांसी जुकाम वाले केस को अगर हम इतनी देर वेट कराएं, या बुखार वाले केस को अगर सपोज की जगह इमरजेंसी हो और अगर ज्यादा देर वेट हो, तो हम भी नहीं चाहते कि वेट किया जाए। अब फिर इसके बाद एक बात आती है कि सर यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है, या फिर हमें काफी समय लग जाता है, 2-2 घंटे कहीं को लग जाते हैं। देखिए, एवरेज केस में अगर आप किसी भी एक केस को अगर आप अटेंड करते हैं, अटेंड करने में अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट के करीब लगते हैं। हमारे न्यू केस का क्या प्रोसीजर है, आपके पहले सबसे पहले हिस्ट्री की जाती है, चाहे वो असिस्टेंट डॉक्टर लें या हमारे दूसरे स्टाफ वाले मेंबर्स असिस्टेंट्स लें, फिर उसके बाद आपका जब भी नंबर होता है आपको अंदर कॉल किया जाता है। अब अंदर कॉल करके आपको एक तरीके से हम एग्जामिन करेंगे, पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी प्रोसीजर्स हैं, हम जो सस्पेक्ट करते हैं उसके बारे में सोचेंगे कि यार ये डिसीज ऐसे हो सकती है, ये वाला एसोसिएशन हो सकता है, उसके बारे में सोच। उसके बाद फिर मेडिसिन बनाई जाती है। अब वो मेडिसिन देखिए ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक वो बनी हुई है, उसको हम खुद मैनुअली बनाते हैं, ताकि उसमें कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो हम ऐड करना चाहें या कुछ भी ऐसी, तो हम इजीली कर पाएं, तो मैनुअली बनाने में अब वो ये सब काम में टाइम थोड़ा सा लगता है जी। तो इसीलिए पर पेशेंट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स तक आप लगा के चलें। कुछ केसेस ऐसे आते हैं जैसे सेकेंडरी केसेस हो गए, जिनको कोई ना कोई ऐसा मानसिक तनाव है, कोई चीज चिंता वाली है, कोई किसी को सुसाइड करने की टेंडेंसीज होती हैं, अलग अलग टाइप के केसेस आते हैं हमारे पास। अब ऐसा बंदा अगर जैसे बच्चे हों बड़े हों, ऐसा बंदा जब हमारे पास आएगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। काउंसलिंग करने में आपको पता टाइम लगेगा उसमें, तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको हो सकता है आपको वेट करनी पड़े। ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बाहर बैठ के आप एक छोटी सी वीडियो बना के आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है आप, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ दवाई दवाई बनाना चाहते, पहले से आराम है, तो आप एक नॉर्मल एक उस पर लिख के आप हमें अंदर दे सकते। तो ये नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन हम इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस कैसे करना चाहते हैं, जैसे कुछ केसेस हैं, अब वो पता है कि उनका काफी समय से वो ले रहे हैं या दवाई, या किसी को आराम है, वो सिर्फ दवाई दवाई लेना चाहते हैं, या कुछ केसेस ऐसे हैं वो दवाई तो लेना चाहते हैं और अपनी कंप्लेंट भी बताना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं वेट करने का। तो उस केस में हमारे पास जो सजेशन आया है और हमने भी डिस्कशन से जो चीज अभी वो की है, तो उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर पेशेंट ऐसा करें कि एक दिन पहले शाम को 7 बजे से 8 या 9 बजे के बीच में अगर आप एक छोटी सी वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर दें कि भाई
पहले ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, किस नंबर सब कुछ, सिर दर्द था, खांसी थी, पेट में दर्द था, मेंसेस ज्यादा आते थे, ये चार पांच दिक्कतें आती थी। फिर वो एक-एक दिक्कत को बता के उसके बाद आप ये बताएं कि अब वो दिक्कतें कैसे हैं, एक-एक, पहले से आराम है, पहले से ज्यादा है, ठीक है ना, या कोई नई कोई कंप्लेंट आई है, तो उस छोटी सी एक वीडियो क्लिप को आप हमें व्हाट्सएप कर दें, आपके व्हाट्सएप को हम रिसीव करके, और नेक्स्ट डे जब भी आप आएंगे मेडिसिन रिसीव करने, तो आपको मेडिसिन उस अकॉर्डिंगली बनी हुई मिलेगी। देखिए, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हम भी चाहते हैं कि डिजिटल उसका हम यूज करें, तो ताकि हम पेशेंट को और बेटर वे से सर्विस दे पाए। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकली अगर कोई ये कहे कि हाँ भाई आप जल्दी जल्दी करके करें, तो प्रैक्टिकली इतनी जल्दी जल्दी करके ऐसे किसी को कोई आए और बैठे, हाँ जी चलो ठीक है चलो जाओ, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं कि हर एक को प्रॉपर वे से टाइम दिया जाए, ताकि हम उसकी, कोई बंदा दुखी होके ही हमारे पास आता है, कोई बंदा ऐसे तो नहीं आता। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हर इंसान को हम एक प्रॉपर वे से दें। फिर हमें कुछ लोग कहते हैं कि आप हमसे जी एक्स्ट्रा चार्जेस लो, कि हम तो एक्यूट केसेस में हम ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। देखिए, वो नहीं हमारे यहाँ, ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, ना ही हम एक्स्ट्रा चार्जेस वाला सिस्टम कर सकते हैं, हमारे लिए सब इक्वल है। और हम, हमारा मोटिव भी यहाँ पे यही है कि हर एक को इक्वली सर्व करना चाहिए। हाँ, किसी की इमरजेंसी है तो हम बिल्कुल प्रेफरेंस देंगे, किसी को अगर खांसी जुकाम है, किसी को बुखार है, कोई इमरजेंसी है, कुछ भी ऐसी चीज है, तो हम प्रेफरेंस देंगे उनको, पहले एक नॉर्मल क्रॉनिक केस से पहले उनको बुलाया जाएगा। अब रही क्रॉनिक केसेस के, जो इनको आराम, जिनको आराम नहीं है, वो केसेस कई बार क्या होता है कि बंदे को आराम नहीं है, अब वो किसी रिश्तेदार को भेज देता है कि जी आपको, हाँ जी वही दवाई दे दो। अब जाएगा सपोज कीजिए वही दवाई आप अगर मंगवा रहे हैं, तो इट मींस ये हुआ कि आपको आराम है। तो कोशिश ऐसा करें, एक छोटी सी एक वीडियो बना दें, एक वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, आजकल सब कुछ आप इजीली कर सकते हैं, उसमें अपनी जो भी कंप्लेंट है, पहले से एक एक कंप्लेंट बताएं कि पहले सांस की दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, अब ये दिक्कत पहले से कम है या ज्यादा है, या ये इस चीज में कम है या ज्यादा है, या उतनी ही है, या इस चीज में ये है, तो वो पूरी एक वीडियो छोटी सी बना दें, ताकि हमें पता लगे, ताकि हम उस पर कई बार, जैसे आप सपोज कीजिए हमारे पास इतने केसेस आए, केसेस में कुछ केसेस में आराम नहीं भी आता, हमें अलग वे से देखना पड़ता है, ठीक है जी। तो आप प्लीज, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे हमारे साथ कॉपरेट करें। और चीज हमें बोली जाती है बहुत कि भाई वो हमारे बाद में आया था, हमारे से पहले लेके दवाई चला गया, या ये है वो है। देखिए, ऐसा हम कभी नहीं करते, अनलेस कोई इमरजेंसी हो किसी को, जैसे किसी को फीवर का केस है, किसी को फीवर है, अब प्लेटलेट ही अगर 15,000 रह गए हैं, और मैं उसको, मैं 2 घंटे वेट करूं करवाऊं, तो ये थोड़ा गलत होगा, आपको नहीं लगता? तो इंसानियत के तौर पे भी, और वैसे भी एक आइडियली जो हम चाहते हैं, तो इसलिए हम इस तरीके से उनको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो जो फीवर के केस हैं, इमरजेंसी केसेस हैं, गैंग्रीन केसेस हैं, इनको हम नॉर्मल से जल्दी बुलाएंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग को भी अगर फीवर है या कोई ऐसी चीज है, तो आप उधर जाके कार्ड नंबर दिखा के ना बैठें, आप पहले रिसेप्शन पे ये बताएं कि भाई मुझे वैसे मैं क्रॉनिक केस हूं, या वैसे मैं जो भी ऐसी कंप्लेंट है, और अब इस समय मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उस चीज के लिए करूंगा, तो आपका अलग से लिस्ट बनेगी और आपको नॉर्मल केस से जल्दी पहले बुलाया जाएगा, ताकि आपको इजीली अटेंड किया जाता है और आपको ज्यादा वेट ना करनी पड़े, ठीक है जी। तो ये हमारा कुछ सजेशन है। इसके अलावा कुछ अगर आप सजेशन देना चाहें, अगर आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं कि भाई ये चीज कमी है, आप ये इस तरीके से मॉडिफाई करें या ऐसे करके, तो फिर वो आप मुझे बता सकते हैं, हम मोस्ट वेलकम है इस चीज को बताने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप एक दिन पहले, अगर सपोज कीजिए आपको आराम है या आराम नहीं है और आप वेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो आप एक छोटी सी एक वीडियो या एक स्लिप आप लिख के आप हमें भेज सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, जैसे भी, तो उस अकॉर्डिंगली अगर सपोज कि हमने शाम को पूछना हो तो शाम को पूछ लेंगे, ठीक है ना, अगर सपोज कीजिए आपको बाद में पूछना हो तो बाद में पूछ लेंगे, तो उस अकॉर्डिंगली आप एक छोटी सी एक वीडियो बना के हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको मेडिसिन प्रिपेयर रखेंगे, आपको 1 मिनट भी वेट नहीं करने की जरूरत है, ठीक है ना, तो बिल्कुल भी वहां पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका मैसेज मुझ तक कन्वे हो चुका है, अब उसके बाद सिर्फ मेडिसिन प्रिपरेशन करनी है। अगर मुझे सपोज कीजिए कोई ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको देने, मैंने कहा आपको बताना है कि हाँ भाई ये टेस्ट नहीं हुआ, ये दिक्कत आ रही है तो ये टेस्ट करा लो, ये दिक्कत आ रही है तो ये करवा लो, तो मैं आपको उसी, जब आप आएंगे या उसी समय बताना होगा तो उसी समय बता दूंगा,
तो उस अकॉर्डिंगली मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा। ठीक है, आई होप इस वीडियो के जरिए मैं कुछ हद तक जो हमारे यहाँ वेटिंग की प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा मैं सॉल्व हम लोग कर पाएंगे। देखिए, आप और हम एक परिवार हैं, हम एक पेशेंट को अपने परिवार की तरह लेते हैं। अगर हम सपोज कीजिए कि कोऑर्डिनेशन से चलेंगे तो हम और बेटर कर सकते हैं। आप बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे हमें भी बहुत खुशी मतलब अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, भाई भाई की तरह प्यार करते हैं, बेटे की तरह प्यार करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। आप आगे भी लोगों को रेफर करते हैं कि हाँ भाई भाई के पास जाओ, बेटे के पास जाओ, ऐसे करके। लेकिन उसमें हम भी ये चाहते हैं, और इसीलिए हम ये भी चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा आपको फैसिलिटी दी जाए, आपको वेट ना करना पड़े, आपको सही समय पे अटेंड किया जाए। ठीक है ना, तो इसीलिए आपके जो भी सजेशंस होंगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप वैसे भी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके पास नंबर्स हैं सबके पास। तो जो भी आपके सजेशन होंगे हम उसको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच।